नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है। बिहार और पंजाब के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस के लिस्ट में 7 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी को टिकट दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। वहीं बिहार के समस्तीपुर से सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार के महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो एक एक करके इन नामों को आपको दिखा रहे हैं हम। आपको कांग्रेस की 7 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम है ये। बिहार के पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन को टिकट मिला है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, समस्तीपुर से सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार है। और ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट, ये सूची है, वो जारी कर दी है। अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है बिहार और पंजाब के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 24 के जंग में 44 की 40 सीटों को जीतने के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ रैलियां कर के बीजेपी के उम्मीदवारों एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगा। सोमवार को भागलपुर के गोराडीह में नीतीश कुमार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 3 दिन में मुख्यमंत्री की भागलपुर में 30वीं जनसभा थी। वहीं मंगलवार को सीएम जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भागलपुर में जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल को भारी बहुमत से जिताने के लिए सीएम ने अपील की। कोई भी काम की जरूरत होगी उसको, आज का जो दूसरा पटिया वाला है इधर उधर सब धंधा कर रहा है। यहाँ पर जान लीजिए, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे और देश भर में हम लोग जीतेंगे 400 से ज्यादा सीट। और श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, यही हम लोगों की इच्छा है। और हम ही चाहते हैं कि अजय कुमार मंडल जी को आप विजयी बनाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका में चुनावी जनसभा की। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोट की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गिरधारी यादव को जिताने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन मांगा जनता से। चुनावी जनसभा में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। बांका लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और इसी के मद्देनजर, इसी के बाबत सीएम नीतीश कुमार ने प्रत्याशी के समर्थन में, जेडीयू के प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने जनसभा की, लोगों से वोट की अपील की। और खबर पटना से है, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह तुष्टिकरण में लगी हुई है। तुष्टिकरण करके इस देश में कुछ नहीं हो सकता। इस देश के सभी वर्गों के लिए काम करना होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। कटिहार जिले के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ा विधानसभा के मिलन चौक पर बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश सैनी भी मौजूद रहे। यहां तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा की महागठबंधन प्रत्याशी विधायक भीमा भारती के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि बहन भीमा भारती पूर्णिया से जीत रही है, आप सब लोग इसे भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजने का काम करें। सीबीआई इनकम कि हम भी टू जाए जी खड़का चुके। वहीं पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया और दूसरे चरण के मतदान से पहले दावा किया कि केंद्र में अगली सरकार एनडीए गठबंधन की ही बनेगी। और क्या कुछ कहा मीसा भारती ने, सुनाते हैं आपको। तो मीसा भारती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि अगली जो सरकार बनने वाली है वो एनडीए गठबंधन यानी विपक्ष की बनने वाली है। बीजेपी कोरे वादे कर रही है और बीजेपी लगातार घमंड में है कि 400 पार की सीटें आएंगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता हकीकत जान गई है, जनता इनको हकीकत बता देगी और आगे एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। इससे महंगाई कम हो रही है, इन सब बातों की चर्चा क्यों हो रही है? आप ये प्रधानमंत्री जी देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर आपको दो बार मौका मिला, वर्षों में आपने क्या किया है अपने काम जनता के सामने, और अगला जो कर रहे हैं पांच वर्ष ये करेंगे, आपका विजन क्या है, आप पांच वर्षों में क्या करने चाह रहे हैं, आप बेरोजगारी पे कैसे काबू पाएंगे, आप महंगाई कैसे कम करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, ये सब बात नहीं बता रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा नहीं है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नसीहत दी और कहा कि वो अपना और अपनी पार्टी आरजेडी का ध्यान रखें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनकी नसीहत की जरूरत नहीं है। ये तेजस्वी यादव कभी मछली खाते हैं नवरात्रे में, कभी ऑरेंज खाते हैं, खान पान पे ही ध्यान ज्यादा उनका है, थोड़े सेहतमंद भी हो गए और अब वो अमित शाह जी को सलाह दे रहे हैं सत्तू पीने। वहीं बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के समहुदा गांव में महिला की ईंट पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतका के पति पर ही लगा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीपीओ धीरज कुमार ने जांच की और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद से मृतका के पति और घरवाले फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। आज सुबह ऐसी सूचना मिली कि समहौता गांव में एक महिला का शव एक घर में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस के द्वारा जब इसका सत्यापन किया गया तो एक महिला जिनकी उम्र 40s में होगी, उनकी हत्या ईंट से सर पे हमला करके की गई है। घर पे बाकी सारे लोग फरार हैं अभी, उसमें आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? हत्या का मामला है, पति फरार है तो डाउट उठ पे है। जैसा आगे परिजनों का बयान आएगा, उसके घर में जो उनकी बेटी हैं उनसे हम लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा उन लोगों का बयान आएगा उस पर फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज और चल लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राजस्थान की खबरों का रुख करेंगे।